अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक काम कर लिया हुआ था लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने देखा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जी स्केयर प्लस जी बार स्केयर, ये हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास रियल नंबर है। यानी कि आप लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्केयर और उनको आपस में ऐड करना है और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास रियल नंबर। तो जी हमारे पास क्या है? ए प्लस योटा भी आप लोग सपोज कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर। तो जी बार जो होगा वो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या आएगा उसका कॉन्जुगेट ए माइनस योटा भी। तो जी स्केयर कैसे फाइंड आउट करेंगे और जी बार स्केयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई होगा जो ए प्लस बी का स्केयर होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर, सेकेंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2ab। इसी तरीके से नेगेटिव में भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला, लेकिन सिर्फ क्या है जहां जहां b था वहां पर b के साथ ये होता है। अभी देखें 2ab ये होता है, यहां पर ये एक जो एलिमेंट है आप लोगों के पास ये प्लस में है प्लस 2ab ये होता। और इसी तरीके से आप लोगों के पास एक टर्म माइनस की, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद ये आयोटा स्केयर यहाँ पर जो है ये माइनस वन है और ये भी आयोटा स्केयर जो है इसको माइनस वन कह सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्केयर और ये वाला ए स्केयर, इन दोनों ए स्केयर को आप इसमें ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 2a स्केयर। तो इसी तरीके से आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर ये दोनों माइनस वन हो जाएंगे। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके माइनस 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 बी स्केयर और माइनस बी स्केयर माइनस 2b स्केयर। तो 2a स्केयर माइनस 2b स्केयर इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जिससे हमें पता चल गया कि क्या है जी स्केयर प्लस जी बार स्केयर, इसका जो आंसर है वो रियल नंबर है। इसी तरीके से हमने उनका जो सम और डिफरेंस भी चेक करना था कि डिफरेंस आप लोगों ने जी स्केयर माइनस जी बार स्केयर जो है वो इमेजिनरी प्रूव करना है। तो उसमें भी उसी तरीके से आप लोगों ने दोनों के स्केयर ओपन करने और सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए कुछ ऐसा होगा कि जो बाद वाले तमाम टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे वो कैसे कैंसिल आउट होंगे? ये टर्म जो ए स्केयर वाली टर्म है वो इस माइनस ए स्केयर से कैंसिल आउट होती है, प्लस का ये जो आयोटा स्केयर बी स्केयर है ये इस माइनस के आयोटा स्केयर बी स्केयर के साथ कैंसिल आउट होती है। तो ये भी प्लस 2ab आयोटा है और इधर भी प्लस 2ab आयोटा, तो 4ab आयोटा। अब आप लोगों ने इसको प्रूव करना था कि इमेजिनरी है, और इमेजिनरी वो होता है जिसके अंदर आयोटा टर्म मौजूद हो। तो जैसे आप लोगों ने अभी इससे पहले प्रूव किया था कि रियल होगा, तो रियल वो आंसर आया था आप लोगों के पास जिसमें आयोटा नहीं था। देखिए 2a स्केयर माइनस 2b स्केयर दोनों में आयोटा मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो आंसर आया आप लोगों के पास उसमें आयोटा मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है माइनस 1/2 प्लस स्केयर रूट 3/2 आयोटा, इस सारे का क्यूब है। तो अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की गई कि आप लोगों ने कौन सी अप्रोच यहाँ पर यूज़ करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता तो इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनमें जैसे कि हमने देखा था डिमोग्रीज थ्योरम अप्लाई किया था, तो डिमोग्रीज थ्योरम के जरिए भी आप लोग इस सारे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके पोलर फॉर्म में, कि एक्स को आप लोग आर कॉस थीटा और वाई को जो है आर साइन थीटा लेके डिमोग्रीज थ्योरम अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर चूँकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप लोग इसको सिंपल क्यूब एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस हमने किया है वो क्या है, क्यूब की बजाय स्केयर को सेपरेट कर लिया है और सिंगल पावर को सेपरेट, क्योंकि स्केयर को सॉल्व करना जो है सिंपल सा फार्मूला है ए प्लस बी स्केयर। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी स्केयर है जब, तो माइनस 1/2 का स्केयर सबसे पहले जो कि 1/4 आ गया। ठीक है, तो आप लोग टर्म बाई टर्म इसको देखेंगे कि माइनस इस फर्स्ट टर्म का स्केयर ए स्केयर, इसी तरीके से स्केयर रूट 3/2 आयोटा का स्केयर ये बी स्केयर है प्लस 2 a b। तो ये सारे को हमने क्या कर लिया है, इस सारे का स्केयर ओपन कर लिया। ओके, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्केयर की एक्सपेंशन में देखेंगे माइनस 1/2 का जब स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 1/4। इसी तरह स्केयर रूट 3 का स्केयर लूंगा तो 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेट में 2 का स्केयर है तो वो 4 आ जाएगा और आयोटा स्केयर एज। ओके, ये 2 यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी, कैसी कैंसिलेशन हो जाएंगी, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों के पास होती है
ये टर्म आ जाएगी। अब बाकी जो है लास्ट में जो टर्म लिखे हुए एज इट इज है, अब यहाँ पर ए ओटा स्केयर माइनस वन होता है तो ये माइनस थ्री बाई फोर आ गया। ये फर्स्ट टू टर्म्स में ए ओटा स्केयर को खत्म किया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। ओके अब हम देखते हैं जी, जो हमारे पास माइनस वन ओवर फोर माइनस थ्री ओवर फोर है, ये प्लस या माइनस का प्रोसेस किया हुआ है, माइनस वन ओवर टू आंसर आते हैं। तो माइनस वन ओवर टू और ये माइनस स्केयर रूट थ्री ओवर टू ए ओटा, तो बाकी टर्म वैसे। अब इनको या तो आप उसमें मल्टीप्लाई करें, वरना आप लोग देखें ये सेम टर्म्स हैं लेकिन एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में माइनस है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्म में जो होता है वो अप्लाई कर दें। माइनस वन ओवर टू स्केयर जो है वन ओवर फोर हो जाएगा, तो स्केयर रूट थ्री का जो स्केयर है वो थ्री, टू स्केयर जो है वो फोर, और एटा स्केयर की जगह पर अगेन आप लोग माइनस वन पुट करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास आंसर वन आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या काम किया है कि हमने जो क्यूब थी या पावर थ्री था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह ये नंबर आप लोगों के पास नेगेटिव के फॉर्म में एक और क्यूब है, इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है, ये सेम लाइंस पे चलेगा, पैरेलल लाइंस पे। तो ये आप लोग इसको देखेंगे, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखने में देखिए माइनस वन ओवर टू प्लस के रूट थ्री ओवर टू आयोटा होल पार माइनस टू है, और ये साथ में हमारे पास माइनस वन ओवर टू प्लस के रूट थ्री ओवर टू आयोटा मल्टीप्लाई है। तो जो पावर माइनस टू होती है, माइनस टू का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर में प्लस टू हो जाएगी, जब नीचे जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी, प्लस टू हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो ये पावर टू हो गई। अब नीचे माइनस वन ओवर टू प्लस के रूट स्केयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा का जो स्केयर है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि माइनस वन ओवर टू का स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट टू थ्री ओवर टू आयोटा का स्केयर आ जाएगा, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी आयोटा से आप लोगों ने क्या कर लिया है, उसका स्केयर ओपन किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो नीचे टर्म बची है ये टर्म, और जो ऊपर टर्म आप लोगों के पास मौजूद है वो, जब आप लोग देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों टर्म्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी सिंपल हो गया था, दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, वन आ गया। ओके नेक्स्ट हमारे पास ये सारे की पावर माइनस वन है। ये सिमिलर प्रीवियस वन में क्या था, एक टर्म में प्लस था एक टर्म में माइनस था, थर्ड पार्ट ये हमने प्लस और माइनस के साथ किया, लेकिन बुक में यहाँ पर मिस्टेकनली दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ था। तो अगर माइनस लिखा हुआ तो फिर तो करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि ये सारे की पावर माइनस टू है और ये सारे की पावर वन है। तो माइनस टू पावर में वन पावर जब ऐड हो जाएगी तो सेम पावर ऐड होने की वजह से आंसर बच जाएगा होल पावर माइनस वन। तो आप लोगों के पास क्या चीज़ बच जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी वन ओवर टू माइनस के रूट थ्री ओवर टू आयोटा। तो अगर इस तरह का केस हो जिसमें आप लोगों को बताया है कि डिनोमिनेटर में या नीचे आप लोगों के पास आयोटा आ रहा हो, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से यानी कि रियल पार्ट को नहीं छेड़ेंगे, माइनस वन ओवर टू को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट जो है यानी कि स्केयर रूट थ्री ओवर आयोटा वाला जो पार्ट है इसको नहीं छेड़ेंगे। स्केयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा वाला जो पार्ट है उससे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव था उसकी जगह पे पॉजिटिव साइन लगा के उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, दूसरी साइड पे वन है, तो इस वजह से वन से मल्टीप्लाई होकर आप लोगों के पास एज इट इज रहेगा, ये टर्म वन से मल्टीप्लाई होगा। जबकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स जो हैं एक प्लस की है एक माइनस की, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इस पे वही फार्मूला अप्लाई होगा जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला अप्लाई करवाएं और आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन पुट करें तो वन ओवर फोर प्लस थ्री ओवर फोर जो कि वन हो जाएगा। तो नीचे जो आप लोगों के पास वैल्यू बचेगी वो वन बचेगी, तो इसका आंसर जो है वो एज इट इज वही ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। टू एलसीएम भी ले सकते हैं आप इसका, या इसको चाहें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखा रहने दें, ये भी ठीक है। अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ओवर टू एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है
ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर में हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है ए स्क्वायर, प्लस बी आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर सेपरेट से आएगा और आयोटा का स्क्वायर सेपरेट से आएगा, तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा। तो जैसे ए प्लस बी आयोटा को आप लोग ए प्लस बी को स्क्वायर ओपन करते हैं एज इट इज, आप लोगों ने स्क्वायर को ओपन किया आयोटा स्क्वायर जहाँ पे वहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे, वहाँ पे माइनस वन पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर बन जाएगा उसके एक्सटेंशन। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सिर्फ नेगेटिव पावर्स हैं, जैसे कि इसमें है इसमें है। नेगेटिव पावर का मतलब आपने डायरेक्टली उसको बस डिनोमिनेटर में ले जाना है, पहले ए प्लस बी आयोटा पावर टू उसके स्केयर को ओपन करें, आयोटा स्केयर की जगह आप माइनस लिखें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे बन जाएगा। तो जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर बने तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अब इसके अंदर ये बस थोड़ी सी थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये सारा रियल पार्ट है और टू ए बी ये आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट है, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को नहीं छेड़ेंगे, टू ए बी के से पहले अगर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर ये प्लस था इस वजह से इस कॉन्जुगेट में माइनस आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। उसके बाद उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे नेक्स्ट पेज को किया हुआ है ये, यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया है डिनोमिनेटर वाले टर्म को। सिंप्लीफाई करने के बाद टू ए स्केयर बी स्केयर माइनस फोर ए स्केयर बी स्केयर आयोटा स्केयर, तो ये जो भी आयोटा स्केयर जो है माइनस वन पुट करेंगे तो ये प्लस फोर ए स्केयर बी स्केयर हो जाएगा, तो प्लस का फोर ए स्केयर बी स्केयर जो है वो माइनस टू ए स्केयर बी स्केयर पुट करेंगे, तो ए फोर प्लस बी फोर प्लस टू ए स्केयर बी स्केयर नीचे बच गया है, जो कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कम्प्लीट स्केयर बन रहा है। तो ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिख दी है, ये देखिए इस क्वेश्चन में उसने सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया है। तो आप लोग वैसे कोशिश क्या करें कि जब भी इसके आंसर्स लिखें आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, और वो कौन सी होती है कि आप उसके रियल पार्ट को अलग लिखें, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखें और आयोटा के साथ उसको सेपरेट लिखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें क्यूब ए प्लस बी आयोटा क्यूब है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो फार्मूला यहाँ पर लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो आप लोग ये फार्मूला जैसे ए प्लस बी आयोटा पर यहाँ पर अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही काम आप इसके फर्स्ट पार्ट पे और सेकंड पार्ट पे भी कर सकते हैं कि आप लोग डायरेक्ट क्यूब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्यूब के फार्मूलाज हैं या माइनस थ्री पावर्स के साथ हैं। उसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर